कक्षा 8 बड़े आंकड़ों का प्रबंधन प्रश्नावली 5.2.5.3 और इस लेसन की ये आखिरी प्रश्नावली है जिसमें हमारा पहला सवाल है, इन प्रयोगों में आप एक बार पहले बुक को देख लिया करें क्योंकि सारे प्रश्न लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा वीडियो में। तो पहला प्रश्न है, देखिए इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। तो यहाँ जो हमारा ए पार्ट है जिसमें ये इस प्रकार से एक चित्र है, तो यहाँ पर हमारे एक पहिए टाइप का है जिसमें ए ए बी सी डी ये चित्र है। वो कह रहा है एक पहिए को घुमाया जिसमें एक तीर है जो कि ये स्थिर है, तीर रुका हुआ है, पहिया घूम रहा है। तो कह रहा है कि इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। तो पहिए को घुमाना, हम इस पहिए को घुमाएंगे और ये तीर जो है वो स्थिर है, तो जब ये पहिया रुकेगा तो कह रहा है कि ये तीर किस जगह रुकेगा। तो ये संभावना है जब हमने पहिए को घुमाएंगे तो किसी पर भी रुक सकता है। तो जो परिणाम है वो जो आएंगे वो ये आएंगे कि या तो ये ए पे रुकेगा या बी पे रुकेगा या सी पे या डी। क्योंकि ए दो बार है तो यहाँ रुकेगा तब भी ए, यहाँ रुकेगा तब भी ए। तो ये पहिया रुकेगा तो ये हमारा तीर जो है वो ए बी सी डी इन्हीं में से किसी एक पर रुकेगा। इसी प्रकार से इसका दूसरा खंड है, दो सिक्कों को एक साथ उछालना। बी है दो सिक्कों को एक साथ उछालना। अब दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे, देखिए एक सिक्के पे एक तरफ तो हेड होता है एक तरफ ट्रेल होता है, एक तरफ हेड एक तरफ टेल। तो अगर हम उस सिक्के को उछालेंगे तो या तो उसका हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि या चित आएगा या पट आएगा, हम यही बोल सकते हैं। तो देखिए हम हेड को एच से बोलेंगे और टेल को टी से। तो अगर हम दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो हमारे क्या क्या परिणाम आ सकते हैं, या तो दोनों पे हेड हेड आएगा, दोनों पे हेड हेड आ सकता है, या दोनों पे टेल टेल आ सकता है, या एक पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, ये हमारे चार परिणाम आ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पहला प्रश्न हुआ। फिर दूसरा है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। हमारा देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, बात कर रहा है वो पासे की। देखिए पासे पे हमारा लिखा होता है एक दो तीन चार पाँच छ, एक से लेकर छह तक संख्याएं लिखी होती हैं, जिसमें कह रहा है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखना है। हमें परिणाम लिखना है। देखिए नंबर ए में सबसे पहले ए में कह रहा है वो एक अभाज्य संख्या, एक यानी वो जब कह रहा है जब पासे को फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने के परिणाम। देखिए इन छह से लेके यहां तक जो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं वो दो तीन पांच, दो तीन और पांच। तो परिणाम क्या आएंगे, एक अभाज्य संख्या। पासे को हमने फेंका तो पासे पे एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन चार पांच छह, एक से लेके छह तक कोई सी संख्या आ सकती है। लेकिन वो कह रहा है कि जब हमने पासे को फेंका तो हमें एक अभाज्य संख्या प्राप्त हुई, तो इसका मतलब दो तीन या पांच ये संख्याएं इसकी आई होंगी, दो तीन पांच। तो ये हमारा हो गया इसका पहले का ए खंड। तो दूसरे कर रहा है बी में, दूसरे बी में कर रहा है एक अभाज्य संख्या नहीं, एक
अभाज्य संख्या नहीं। अब एक अभाज्य संख्या नहीं, इसका मतलब यह है कि इनके अलावा इसमें 2, 3, 5 अभाज्य संख्या है, इसके अलावा ये नहीं है। इसका मतलब जो परिणाम आएंगे वो 1, 4 और 6 आएंगे, यानी 1, 4, 6 अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद दूसरा है, दूसरे का एक है, दूसरे के एक में कह रहा है 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनमें ये संख्याएं सारी 5 होती हैं, 5 से बड़ी संख्या क्या है 6, इसका आंसर होगा 6। इसके बाद इसका बी खंड कह रहा है 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं, यानी 5 से बड़ी नहीं, 5 भी नहीं, 5, 6, 1, 2, 3, 4 जो परिणाम आएंगे 1, 2, 3, 4, ये इसका आंसर हुआ। इसके बाद तीसरा प्रश्न आता है, तीसरे प्रश्न कह रहा है ज्ञात कीजिए। अब पहला प्रश्न एक कह रहा है, प्रश्न एक के ए में सूचकांक डी पर रुकने की प्रायिकता। अब हमें यहां पर प्रायिकता की बात करनी है, तो तीसरे सवाल में कह रहा है सूचकांक यानी तीर के डी पर रुकने की प्रायिकता। तो डी पर रुकने की प्रायिकता जो है वो तो यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर हमारा ये सूचकांक तीर है वो डी पर रुकने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल परिणाम, यानी डी एक है तो यहाँ पर एक ही होगा, और कुल संभव परिणाम कितने हुए, परिणामों की कुल संख्या है 1, 2, 3, 4, 5। तो हम यहां पर लिखेंगे सूचकांक के डी पर रुकने की प्रायिकता, सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल कितना है 1, कुल है 5, इसकी प्रायिकता जो आएगी वो 1/5 आएगी। इसी प्रकार से अब ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए ये हमारा पहला एक खंड था। अब देखिए बी खंड है, आप किताब में देख सकते हैं, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 तासों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। ताश की गड्डी को अच्छे से फेंट लिया गया है, ताश में पत्तों की संख्या होती है कुल 52, जिसमें वो कह रहा है कि उसमें एक पत्ता निकाला गया जो इक्का है, उसकी प्रायिकता निकालनी है। तो देखिए इसमें क्या होगा, पत्तों की जो संख्या होती है 52 होती है और हमारे जो इक्का है वो 4 होते हैं, तो इसकी जो प्रायिकता आएगी 4/52, 4 से काटेंगे 1, 13, यानी इसकी प्रायिकता आएगी वो 1/13 आएगी। इसी प्रकार से सी खंड है, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। इसका ये चित्र देखो बनाता हूँ मैंने, का भी काम नहीं है। सी वाले खंड में एक सेब लिए हुआ,
ये चिन्ह है, जिस सेल में जी लिखा है वो ग्रीन कलर का है, जिसमें आर लिखा है वो रेड कलर का है। वो कह रहा है एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता, देखिए लाल सेब की प्रायिकता, लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता जो है वो कह रहे हैं लाल कितने हैं, एक दो तीन चार, इसका मतलब चार ऊपर बटे उनको कुल है सात गुणा, लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता आएगी वो चार बटे सात आएगी। इसके बाद प्रश्न नंबर चार है, मैं आपको समझा देता हूं। दस पृथक पर्चियों की एक दस पृथक पर्चियों पर एक से दस तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। एक पर्ची पर एक संख्या, दूसरी पर दो, ऐसे ही दस पर्चियां हैं जिन पर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस तक लिखा है। तो इसमें वो कह रहा है संख्या छः की, संख्या छः पर छः प्राप्त करना, तो एक से लेके दस तक, यानी कि हमारे पास जो पर्चियां हैं वो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ये संख्याएं हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपको, ये केवल हल करा रहा हूं मैं, क्वेश्चन तो आपको बुक से करना है, बुक में ही आपको देख लेना है। तो देखिए तो पहले में कह रहा है छः प्राप्त करना, यानी कि छः संख्या छः की प्रायिकता, संख्या छः की प्रायिकता है, यहाँ से लेकिन यहाँ तक छः केवल एक ही बार है, तो एक बटा दस इसका पहला आंसर हुआ। दूसरा कह रहा है छः से छोटी एक संख्या, यानी छः से छोटी संख्या, देखो छः छोटी, एक दो तीन चार पाँच, यानी कि पाँच बटे दस एक बटा दो। तीसरा कह रहा है छः से बड़ी एक संख्या, अब छः से बड़ी संख्या, छः से बड़ी संख्या, छः से बड़ी नहीं छः नहीं, एक दो तीन चार, चार बटे दस दो बटा पाँच। चौथा एक अंक की एक संख्या, वो कह रहा है एक से लेके दस तक एक अंक की संख्या, एक से लेके नौ तक एक अंक है, तो एक अंक की संख्या यानी कि नौ बटा दस। तो इस तरीके से हमारा ये लेसन पांचवा खत्म हुआ। अब हम आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे के लिए फिर अगले लेसन को बताएंगे।